आज फिर बहुत सारा काम आ गया है। वे वाला पाइप जो है हमारे उस वाले खेत में लगाना है, तो चलो लेके चलते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं उदय चौहान। वैसे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि घर पे रहूं या खेत में रहूं। तो मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में ये कहा है कि मैं कंटिन्यू आऊँगा वीडियोस डालूँगा। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं मेरे भाई जो मुझको वीडियो बनाने ही नहीं दे रहे हैं। तो उन इश्यूज़ के बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो में चर्चाएँ करूँगा। मेहनत जो है रंग ला रही है, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स होता है। देखिए धान की बाली निकल रही है अभी। इस वाले खेत में अभी देखिए बाली नहीं आया है, अब इसकी सिंचाई करना पड़ेगा। कहें कि अगर नहीं करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। फाइनली अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, पाइप खेत में लग गई है। वो दूर आपको जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से लाना पड़ा। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि खेती करना इतना आसान भी नहीं होता है भाई। ये मेरा खेत है और इसके जस्ट बगल में एक दूसरे लोग का खेत है। अभी आप लोग देखिए इसका फसल जो है पूरी तरीके से एकदम से बर्बाद हो गया है। इतना पैसा लगाने के बाद जो भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया था सब बर्बाद हो गया। देखिए बीच में सब जल गया है, खाली हो गया है और सब छोटा छोटा हो गया है। तो एकदम लास्ट सिचुएशन में आके भी अगर पानी नहीं दोगे आप ना तो फसल ऐसे पूरा ख़राब हो जाता है। देखिए तो सब सूख गया, बहुत बुरी तरीके से इसमें पानी की ज़रूरत है। भाई जब किसी की फसल बर्बाद होती है ना तो कसम से दिल से तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो बंदा इतना मेहनत करता है और इतनी पूंजी लगती है ना, कसम से क्या बताऊँ। जितना हम लोग पूंजी लगाते हैं उतना निकलता भी नहीं है। मान के चलिए उतना अगर निकल भी जाता है तो हम लोग को मेहनत जितना कुछ भी नहीं होता है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, खेत है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बारिश बहुत कम हुई हम लोगों के यहाँ पर और उसी का नतीजा है कि काफ़ी लोगों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई।